हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ये जो व्लॉग आप देख रहे हो, ये है संडे का मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर आशिया जो उठी है, आशिया अभी नहीं उठी है, तो हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं, बस अब ब्रेकफास्ट बनाना है मेरे को। उससे पहले सिया को दूध पीना है, क्योंकि आजकल उसको दूध बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो दूध पिएगी। और तब तक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उनका ब्रेकफास्ट बनाने में, इसलिए मैंने उसको दूध दे दिया है और एक लड्डू दिया है उसको मैंने, जो आपको लास्ट वीडियो में जो दिखाया था ना लड्डू, वो मैंने बनाया था, तो वो मैं उसको एक लड्डू दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे है, 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। सिया तो उठ गई है, सिया को मैंने दूध दे दिया है, क्योंकि तो दूध वैसे पीती नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता है हॉर्लिक्स की वजह से ये दूध पीती है, ये तो वैसे दूध नहीं पीती है सच बताऊँ तो। और अभी आशी उठेगी, और आशी ना रोज़ मुझे तो एक दो दिन से बोल रही है ओट्स के लिए। ओट्स मैं उसके लिए बनाती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन अभी उसको हो रहा है कि ओट्स शाम को बोल रही थी, शाम को मैंने मना कर दिया था उसको, क्योंकि मैं खिचड़ी बना रही थी उस टाइम पर, इसलिए तो उसके लिए ओट्स बना दूँगी और हम लोगों के लिए पोहा बना दूँगी। ये भी पोहा खा लेंगे बाद में। और पापा के लिए मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि पापा नहीं खाएँगे, पोहा वगैरह नहीं खाते पापा, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज और आलू निकाल दिए हैं, टमाटर और ये क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली वगैरह भून के रख दूँगी, फिर नहा कर आऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। अभी नहीं बनाऊँगी, फिर ना वो अजीब सा जाता है ज़्यादा ठंडा ना, तो जब सब उठ जाएंगे उस टाइम पे बनाऊँगी, तब तक मैं नहा के भी आ जाऊँगी। तो हाँ हाँ, खोल लो वो टीवी, खोल लो। Tall buildings as the chemicals they take us higher। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, बाहर जो है बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की सी, बिल्कुल बूंदाबांदी वाली मतलब हो रही है, तो गीला हो गया काफ़ी ज़्यादा से बाहर जो। तो यहाँ पर अभी जो है ना, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पोहा बनाऊँगी ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्याज टमाटर ये सब कट कर दूँगी। और मैं सोची थी मैं नहा कर आऊँगी, उसके बाद मैं पोहा बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि ना 9 बज गए थे, और फिर मैं नहा कर आऊँगी तो वही 9:30 तक बज ही जाएंगे, तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं बना ही देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से नहाने के लिए चल जाऊंगी। क्योंकि संडे वाला दिन ना, हम लोग कितना भी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, थोड़ा लेट होता है, बच्चे घर में रहते हैं और संडे को बच्चों को होता है कुछ अलग से खाने का मन होता है, तो फिर उनके लिए वो बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए आज मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा सिया को काफी पसंद है, आशी ज्यादा पसंद नहीं करती है, तो उसने खाया भी नहीं था, उसने ओट्स खाया था, और उसके लिए मैंने पराठे बना दिए थे अलग से, तो हस्बैंड के लिए, पापा के लिए और सिया के लिए तो पराठे बनाए थे, और अपने लिए, मम्मी के लिए और सिया के लिए मैंने वो बनाया, आशी के सारे पराठे बनाते हैं, और सिया के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं अपने लिए पोहा बना रहे हैं। तो कभी कभी होता है पोहा खाने का ना मन होता है सुबह के टाइम, और थोड़ा लाइट भी होता है वो, और खाने में मज़ा भी आता है, ऐसे रोज़ रोज़ तो नहीं, लेकिन हफ्ते में कभी एक दो बार खाओ तो अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ पर मूँगफली वगैरह फ्राई कर दी है, कटिंग चॉपिंग सब कुछ हो चुकी है, और एक साइड यहाँ पर अब मैं पराठे बनाने लग गई हूँ, और दूसरी साइड यहाँ पर ओट्स बन रहे हैं, और बीच वाले बर्नर पर जो है मैंने चाय रखी हुई है, तो मल्टी टास्किंग यहाँ पर हो रही है फटाफट से। मैं सोच रही हूँ सारे काम जल्दी से हो जाएंगे, तो पराठे बनाए थे, पापा को दे दिए थे मैंने, आशी तो अभी सो रही थी, हस्बैंड नहाने गए थे, तो फिर तब जब आएंगे तो उनको भी दे दूंगी मैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं पोहा बना ही देती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे पोहा भी बना दिया था। पोहे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ना, जैसे ये भुजिया होती है ना आलू की, वो स्प्रिंकल कर दी है नींबू के साथ, बहुत टेस्टी हो रहा था ये, इसलिए पोहा कभी कभी खाना चाहिए, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और लाइट वेट मतलब लाइट होता है,
तो अभी सुबह का टाइम तो चले गया है, अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, पता नहीं कभी कभी होता है, मन नहीं करता है, मैं आपको काफ़ी बार बोलती हूँ। और जब मेरा मन ब्लॉग बनाने का नहीं होता है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बनाती हूँ वो, क्योंकि मन की बात है, मन नहीं होगा तो ब्लॉग ढंग से बनेगा ही नहीं। जब मेरा मन नहीं होता है तो तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो और आशी ना, आज संडे था तो आशी और थिया को बाल केंद्र जाना था, लेकिन ये दोनों नहीं गए। ऐशू का फ़ोन आ गया था मॉर्निंग में कि मौसी आशी को भेज दो, तो मैंने कहा तू ही आ जा, तो उसने कहा नहीं आप आशी को भेज दो, मैं अगले संडे को आऊंगी। तो आशी तो वहां चली गई थी और आशी नहीं गई बाल केंद्र, तो फिर सिया नहीं गई कि आशी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, तो फिर ये भी नहीं गई। और दिन भर बस मेरे पीछे पीछे कभी टीवी देख रही कभी मेरे पीछे, क्योंकि ना बच्चों को होता है चाहे साथ में रहेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन जैसे वो घर पर नहीं थी तो थोड़ा सा उसको जो है ना बोर जैसा सा वो हो रही थी, तो वो चली गई थी। तो बस इसको फिर वही था, थोड़ी देर टीवी देख रही थी, रिमोट छीनने वाला कोई था नहीं तो इसको बोरिंग जैसा हो रहा था, तो थोड़ा देख रही थी अपना वही कार्टून वगैरह ये देखती है, थोड़ा फिर मेरे पीछे पीछे इधर उधर, बस ऐसे करके हमने शाम निकाल दी है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है यहाँ पर। अभी मैं सोच रही थी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ अपने अलमीरा ठीक करूँ, पता है मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा से फैल जाते हैं और जितनी बार खोलो वो सारे के सारे घचड़ पचड़ से दिखते हैं, बहुत ही गंदे से लगते हैं। तो मैंने कहा चलो यही करते हैं, और खाली भी उस टाइम पर होगी, दिन भर से तो खाली ही थी, बस मोबाइल वोबाइल यही चलता है फिर अगर ब्लॉग वगैरह ना करो या कुछ काम नहीं है, तो इसलिए शाम को मैंने कहा चलो मैं अपनी अलमीरा जो है ठीक कर देती हूँ, और इसकी जो नीचे वाला जो रो है ना वो मैं अगले दिन जो है सेट कर दूंगी। सिया यहीं पर बैठी हुई है और आज सिया के हेयर वॉश करा था, तो यहाँ पर मैं अभी उसके जो है ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसके ना थोड़ा सा डैंड्रफ जैसा मेरे को दिख रहा था, इसके बिल्कुल डैंड्रफ होता नहीं है, पता नहीं इस बार ही मेरे को दिखा है इसके डैंड्रफ, क्योंकि आजकल ना बरसात है तो थोड़ा सा पसीने वगैरह से भी हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं उसके स्कैल्प में जो है मैं गुनगुना सा सरसों का तेल लेकर आई थी वो लगा रही थी, और मैं इसलिए भी लगा रही थी क्योंकि सुबह इनका स्कूल है, तो मैं इसकी दो चोटी ना अभी बना दूंगी और इसके ऑयल भी अभी लग जाएगा, तो सुबह मेरे लिए काम जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि सुबह ही मैं ऑयलिंग करूँ और फिर इनकी दो चोटी बनाऊँ थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे बांग निकली भी हो और साथ में ऑयलिंग भी हो ना तो मेरे को बहुत इजी हो जाता है इनके बाल बनाना मॉर्निंग के टाइम पे। तो ये तो मना कर रही थी मम्मी अभी दो चोटी मत बनाओ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ ठीक रहेगा, तो फिर मान गई थी ये। तो ऑयलिंग होगी अच्छे से, मैंने इसके मसाज भी करी है बहुत देर तक, इसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो मसाज करने के बाद यहाँ पर फटाफट से मैं इसकी दो चोटी बना दूंगी और फिर बस सुबह के लिए फिर स्कूल के लिए ये अपना ठीक रहेगा, मतलब मेरे लिए ठीक रहेगा कि जल्दी बन जाएगा। मामा अर्थ लेकर आए हैं राइस वाटर ड्यूवी एक्टिव सीरम विद राइस वाटर एंड 10% नियासिनेमाइड, और साथ में ही राइस वाटर ड्यूवी सनस्क्रीन विद राइस वाटर एंड नियासिनेमाइड। तो पहले बात कर लेते हैं राइस वाटर ड्यूवी एक्टिव सीरम की, जिसमें है राइस वाटर 98% इसमें प्योर राइस वाटर है फॉर ग्लास स्किन, और इसके साथ ही इसमें 10% नियासिनेमाइड का यूज किया गया है। ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है और साथ में ही सुटेबल ऑल स्किन टाइप। तो मैं आपको बता दूं कि राइस वाटर जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और साथ में ही नियासिनेमाइड जो है हमारी अनइवन स्किन टोन को इवन टोन में प्रमोट करता है, एंड 100% यूजर एग्रीड देयर स्किन लुक ड्यूवी आफ्टर वन यूज। तो हमें ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होता है, बहुत ही क्यूट थी पैकेजिंग में, और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। मैं फेस वॉश करके आई हूँ और इसमें जो है मैं थोड़ा सा शेक कर लेना है बॉटल को, और जितना हमारे फेस पे जरूरत हो उतना ही लेकर अच्छे से इसको मसाज कर लेना है जब तक ये हमारी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं मामा अर्थ की जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, इसमें किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया गया है, और मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड तो है ही लेकिन उसके साथ ही एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, जो कि जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक के रिसाइकल करते हैं। तो अगर आप मामा अर्थ के इस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर भी इसको बाय कर सकते हो। और इसके अलावा आप इसे अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और साथ में मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और उनकी वेबसाइट पे जाकर भी इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आप मेरा दिया हुआ कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसका यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ आपको मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही मिलेगा। और इसके बाद अब मैं यूज कर रही हूँ ये मामा अर्थ का ही राइस वाटर ड्यूवी सनस्क्रीन विद राइस वाटर एंड नियासिनेमाइड, SPF 50 है इसमें, स्किन को प्रोटेक्ट करता है
होता है UVA एंड B रेज से. एंड मामा अर्थ लिसन टू यू, सो यूज देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक. दे इम्प्रूव देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट. सीरम लगाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट करा, सीरम थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में. उसके बाद यहाँ पर मैंने सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस, अपने नेक में, और जो एक्स्ट्रा जैसे बच जाए तो अपने हैंड्स पे भी उसको अप्लाई कर सकते हो. तो ये दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर इसको बाय कर सकते हो. और अब मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो आप ऑनलाइन होने के साथ साथ ऑफलाइन भी अपने किसी भी नज़दीकी स्टोर में जाकर बाय कर सकते हो. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट है उसको बाय करना चाहेंगे तो आप अपने नज़दीकी किसी भी स्टोर में जाकर भी बाय कर सकते हैं. और जो मेरा कूपन कोड यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इसको यूज़ करना ना भूलें, इसी से मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट. और अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है. यहाँ पर मैंने जो है सूजी है ना उसको मैंने वो कर दिया था, भिगो दिया था दही और पानी के साथ थोड़ा 10 मिनट के लिए. उसके बाद वैसे सच बताऊँ तो मैं आपको ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह ना कभी कभी मन नहीं होता, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि चलो कुछ लोग अच्छा मानते हैं कि मैं सुबह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो चलो कर देती हूँ, इसलिए मैंने आपको भिगोते हुए नहीं दिखाया. तो यहाँ पर 1.5 कटोरी के बराबर सूजी थी, उसमें थोड़ा सा 1/2 कटोरी दही थी और साथ में ही यहाँ पर नमक ऐड करके मैंने भिगो के रख दिया था पानी के साथ उसको. और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर और धनिया पत्ता और साथ में मेरे पास ना पनीर था तो उस पनीर को मैंने ग्रेट कर दिया था. वो सारी चीज़ें मैंने जो है ऐड कर दी हैं इसमें, क्या बोलते हैं, सूजी में ऐड कर दी है, अच्छे से मिक्स कर लिया. इसके बाद ना इसमें इनो ऐड करना था बट मेरे पास इनो नहीं था तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर थोड़ा सा और बेकिंग सोडा मिक्स करके ऐड कर दिया है. वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं अप्पे बना रही हूँ और अप्पे कई तरीके से आप बना सकते हो. सूजी के तो बनते ही बनते हैं, आप लोग ओट्स के भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे होते हैं वो भी. और इनो आप यूज़ करोगे ना तो बहुत ही फ्लफी बनते हैं, इनो सोडा जो भी आप यूज़ करोगे. तो यहाँ पर मैंने अप्पे पैन चढ़ा दिया था, उसमें ऑयलिंग मैंने ग्रीस कर दिया है और साथ में यहाँ पर मैंने अभी 1-1.5 चम्मच के बराबर अप्पे पैन को फिल कर लिया है. उसके बाद 10 मिनट आई थिंक 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम बोल लो या मीडियम फ्लेम पे रखा था. और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से अप्पे नीचे से सेक चुके हैं तो और इसके ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया था. अब मैं इन सभी को पलट दूंगी और फिर से 5-6 या 7-8 मिनट के लिए मैंने ढककर इसको रख दिया है ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाएं. तो ढक दूंगी इनको और थोड़ी देर में जो है अप्पे बन जाएंगे. तो एक बैच बन चुका है, ये सेकेंड बैच है. तो आज टिफिन में आशी और सिया को मैं अप्पे ही दे रही हूँ. ये ना बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा से, इसके साथ नारियल की चटनी हो, मूंगफली की हो या सॉस के साथ भी आप इसे खाओ ना बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये सारे के सारे अप्पे आप देख रहे हो बन चुके हैं. तो आज ब्रेकफास्ट में ही बच्चों ने यही खाया था और साथ में लंच में भी ये यही लेकर गए थे और दोनों को ही काफी पसंद आया. इसका बैटर थोड़ा सा मेरे पास बचा है तो मैं अभी इनके लिए बना दूंगी शाम को. और यहाँ पर बच्चे जो स्कूल चले गए, आज मंडे है, मम्मी और मेरा फास्ट है और आज सावन का लास्ट है. मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है राखी वाला उसमें है, लेकिन क्योंकि जब भद्रा पक्ष लग जाता है तो उसके बाद जो है सावन के व्रत नहीं होते हैं, तो हम लोगों का तो ये लास्ट व्रत है. तो यहाँ पे बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं और उसके बाद जो है मैं नहा गई थी और पूजा वगैरह भी कर रहे हैं. तो यहाँ पर अब मैं अपना बेड वगैरह जो है ठीक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा सा लेट हो जाता है ये सब करने में. तो काफ़ी बार हस्बैंड भी कर देते हैं लेकिन जैसे उनको भी लेट होता है तो फिर वो भी छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर अभी मैंने बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है अपना और अब मम्मी और मैं जाएंगे मंदिर. तो मंदिर जाना मतलब हमारा ऐसा है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे हम थोड़ा सा लेट जाएँ या कितने बजे भी जाएँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है. ऐसा होता है कि चलो मंडे है तो इसकी वजह से भगवान टाइम हो रहा है. अभी 12:30 बज रहे हैं और सुबह से अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ. मतलब व्लॉग तो चल रहा है थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मुझे शूट करना था तो वही है. और अभी 12:30 बज गए हैं, दोनों बच्चे जो है घर आ गए हैं. रीज़न ये है कि आज आशी का पेटीएम था तो इसके पापा गए थे, पहले मैं जा रही थी, फिर इन्होंने बोला कि मतलब फिर मैं रास्ते में पहुँच गई थी तब तक इनका फ़ोन आया कि पहुँच चुके हैं, क्योंकि मम्मी और मैं मंदिर गए थे और मेरे को ये था कि मंदिर के जाने के मंदिर से मतलब मैं वहीं से सीधे चले जाऊँगी इनके स्कूल और मम्मी आ जाएगी घर. लेकिन फिर रास्ते में पापा का फ़ोन आ गया कि ये चले गए हैं स्कूल. फिर मैंने इनको फ़ोन करा, ये बोल रहे आना है तो आ जा. फिर मैंने कहा फिर दोनों ने क्या ही करना है, तो फिर ये चले गए थे. फिर ये आशी को लेकर आए साथ में, तो फिर सिया भी आ गई क्योंकि फिर सिया को दोबारा लेने जाना पड़ता है, दो बार चक्कर काटने पड़ते तो ऐसे स्कूल में भेज देते हैं. तो फिर सिया भी आ गई, आशी भी आ गई और इन दोनों का भूख लग गया. मेरे को ये लगा स्कूल में कैसे बैठते हैं ये, तो इनको भूख लग गई है. और फिर मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैं ध्यान आया कि ये पोहा बचा हुआ था, कल मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था तो ये पोहा है. तो मैं सोच रही हूँ गर्म करके ये दे देती हूँ. और मम्मी और मेरा फास्ट है और आज है उसका इसका नवरात्र बोल रही हूँ,
आज सावन का जो है लास्ट सोमवार है, मतलब हमारा तो लास्ट है। काफी लोग बोल रहे हैं कि अभी एक व्रत और है राखी वाला, लेकिन हम लोगों के हो चुके हैं, क्योंकि तीन चार लोगों से हमने पूछा ना जो पहाड़ी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे व्रत हो चुके हैं, ये लास्ट है आज। तो मम्मी और मेरा फास्ट है, मम्मी को हल्का सा कोल्ड जैसा हो रहा है, तो मम्मी रेस्ट कर रही हैं, तो पैरासिटामॉल लिए मम्मी ने, क्योंकि अजीब से ज़्यादा हरारत जैसी होती है, फीवर जैसी, वैसे मम्मी को लग रहा है, तो मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, क्योंकि जुकाम में भी ना अजीब हो जाता है। और बस मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि इन लोगों को खाना बनाना है, दाल चढ़ा दी है, और यहाँ पे मखाने भी हैं, इनको फ्राई करके मैं अभी रख दूँगी, और दिन में चाय के साथ ले लेंगे मखाना और मूंगफली। तो ये व्रत का सबसे फेवरेट वाला जो पार्ट होता है ये खाना होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो वही है। चलिए मैं इनको दे देती हूँ ये, और मेरे दो दिन से ब्लॉग भी है, मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है ताकि आप लोगों को ब्लॉग मिल जाए, ठीक है। चलिए इन दोनों को पहले मैं दे देती हूँ, फिर यहाँ पे देखो बर्तन वगैरह भी हैं, थोड़ा किचन भी साफ सुथ करना थोड़ा सा, देखो क्योंकि थोड़ा सा बर्तन तो धोकर गए थे, किचन लेकिन क्लीन करके नहीं गए थे, थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगी, अजीब सा लगता है जब तक किचन क्लीन ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए पोहा जो है मैंने रेडी कर दिया है, और जब इन्हें भूख लग रही थी तब मेरे को याद आया कि पोहा रखा हुआ है, तो मैं भूल चुकी थी। और आशी को वैसे पोहा पसंद नहीं है, लेकिन अभी उसको शायद भूख लग रही थी तो पोहा खाने को रेडी हो गई थी वो, तो पोहा उसने खा लिया था। मतलब ऐसे वो खास पसंद नहीं करती, मैं बनाती हूँ तो खा लेती है, लेकिन ऐसा होता है ना किसी बच्चे को बहुत पसंद है, ऐसे उसको पसंद नहीं है पोहा ज़्यादा, तो बच्चों को दे दिया है पोहा ताकि उनकी छोटी सी भूख जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी लंच बनने में थोड़ा टाइम था इसलिए। और एक साइड जो है मैंने दाल बॉयल करने के लिए रख दी है, और यहाँ साइड में अब मैं जो मूंगफली है उसको फ्राई कर रही हूँ, और साथ में मखाने फ्राई कर दूंगी। वैसे तो ये मैं दिन के टाइम ही करती हूँ, 3 बजे तक या 3:30 बजे तक, लेकिन अभी मैं जल्दी कर रही हूँ ताकि इसको मैं फ्राई करके साइड में रख दूँ, क्योंकि ये क्रंची ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से ना मैंने इसको भून लिया है, ये क्रंची हो चुका है, तो इसमें ही मूंगफली ऐड करके मैं ढक कर रख दूंगी ताकि ये ऐसे ही रहे। और फिर हमने 3-4 बजे के टाइम चाय बनाई थी ना, तो उसके साथ मखाने ले लेते हैं, फिर मम्मी मैंने बच्चों ने सब ने ही खा लिए थे थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो बारिश शुरू हो गई है, ये देखो, तो जैसे शाम के 5 बज रहे हैं ना बारिश स्टार्ट हो जा रही है, टाइमिंग बांध दिया है बारिश ने भी, तो ये झिमझिम झिमझिम वाली बारिश हो रही है, ये देखो। है 5:30 बज रहे हैं और बाहर मैंने आपको दिखाया बारिश जो है स्टार्ट हो गई है, मतलब टाइमिंग हो गई है बारिश की कि इतने बजे बारिश होगी होगी, लेकिन ये अच्छी बात है, थोड़ी बहुत धूप रहती है दिन के टाइम, तो हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सुखाना, तो बस वही है। और चाय वगैरह हमने बहुत पहले ही पी ली थी, मतलब 3-3:30 बजे पी ली थी हमने चाय, पापा की तो खैर मैंने अभी बनाई है, मम्मी और मैंने पहले पी ली थी, क्योंकि मखाने मैंने फ्राई करे थे, मैंने ना इस बार बहुत थोड़े से मखाने फ्राई करे, ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बीच में हमने मैंगो भी खाया था, तो फिर हैवी ना हो जाए इसलिए। और अब मैं जा रही हूँ आलू बॉइल करने, क्योंकि आज हम लोग आलू की सब्ज़ी बनाएंगे ग्रेवी वाली, क्योंकि ना व्रत में ना मैं सच बताऊँ तो आलू ना अच्छा लगता है खाने में, तो हम मैं सोच रही हूँ आलू ही बनाते हैं, तो आलू उबाल देती हूँ और मैं उनको तड़का भी लगा दूँगी, रोटी तो फिर आराम से हम लोग बनाएंगे। और सच में अगर मखाने और मूंगफली खा लो ना, तो बिल्कुल भी मतलब भूख नहीं बोलूँगी, लेकिन एक एनर्जी सी लो जैसी लगती है ना व्रत में, वो नहीं होता सच में, मतलब हमारे साथ ऐसा होता है। तो पिछली बार हमने मखाने मूंगफली नहीं खाए थे, तो बीच में अजीब सा होने लग गया था, तो यानी कि ये सच बात है कि इसमें बहुत ज़्यादातर एनर्जी होती है, इसमें कैल्शियम तो होता ही है लेकिन एनर्जी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, हमें ऐसा लगता है। तो चलिए इन्हें जो है आलू बॉईल कर देती हूँ, और थोड़ा फैन भी खोलती हूँ, हल्की सी गर्मी जैसी भी लग रही है, और ये जो एरिया है ना ये वाला आप देख रहे हो, इसको हल्का सा मैं क्लीन करती हूँ देखती हूँ, क्योंकि ना वो इसमें गुड़ खत्म है, गुड़ डालती हूँ, चीन तो है उसमें, और एक छोटा गुड़ का डब्बा है उसमें भी हल्का सा गुड़ खत्म है, तो वो भी भर देती हूँ, थोड़ा सा क्लीन भी कर देती हूँ, एक साइड आलू जो है हो जाएंगे, क्योंकि ना मैं बहुत देर से लेटी में इसकी बैठी हुई अपने कमरे में, तो वही मोबाइल वगैरह ही चल रहा है मेरा, तो ज़्यादा मोबाइल ना मेरे आँखों में जोर ज़्यादा लगता है मेरे को इसलिए। तो चलिए इससे बढ़िया मैं सोच रही हूँ ये सब कर देती हूँ, आटा वगैरह गूंथ देती हूँ, रोटी फिर हम आराम से बनाएंगे। और ये दवाई है जो मम्मी मेरे लेकर आई थी परसों, मम्मी गई थी अपनी दवाई लेने ना, तो मेरे भी लेकर आई, इसमें ना 75 टैबलेट्स हैं और होम्योपैथिक है ये, वही एलर्जी की ना, तो ऐसे तो खास बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, उन्होंने एक एक घंटे बाद खाने के लिए बोला है, तो मैं खा रही हूँ,
अब वो ये होमपैथिक ना तुमसे लगती नहीं है दवाई, और मुझे तो खास करनी क्योंकि हम लोग खाते नहीं है ना शुरू से, इसलिए तो खैर जो भी है, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगी है यार, मतलब 200 समथिंग की है ये 215 रुपये की है ये, तो मैंने कहा इसको खाना बहुत ज़रूरी है तो ये मैं खाऊंगी अभी। अभी तो मैंने खा लिया, थोड़ी बहुत रहती है इसमें, हर घंटे जब याद आ रहा था मैं खा ले रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी आलू जो है बॉईल करने के लिए मैं आ चुकी हूँ, और मैंने आपको बोला था वहाँ पे मुझे, जो मैं आपको दिखा रही थी किचन में मुझे क्लीन करना है, लेकिन मैं आलू बॉईल करे उसके बाद मैं खुद से ही भूल गई कि मेरे को क्लीन करना है, तो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। पता नहीं कभी होता है ना ध्यान से उतर जाता है। तो बॉईल करे मैंने टमाटर वगैरह जो है पीस दिए थे कि चलो अभी मैं थोड़ी देर में बना दूंगी सब्जी को, फिर पता नहीं कैसे मेरे ध्यान से उतर गया वो क्लीन करना। तो खैर कोई नहीं, वो तो नेक्स्ट डे भी हो जाएगा तो मैं तब कर दूंगी। और इसके साथ ही ना मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ना शूट करने के लिए सच बताऊँ तो कुछ था नहीं, और बेवजह मैं क्या ही शूट करूँ फालतू में दिखाऊँ, क्योंकि इसके बाद नॉर्मली वो ये खाना ही बनेगा। और आज हमने आलू की सब्जी बनाई थी, साथ में पूड़ी बनाई थी, तो यही हमारा व्रत का आज खाना था, और मीठी सेवई बनाई थी जो हम हर व्रत में बनाते ही हैं। तो ये नॉर्मल था ही मेरा ब्लॉग था इसके बाद, तो फिर मैंने कहा क्यों ही ब्लॉग को इतना लेंथी करना, नॉर्मल सही है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।